तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार, बहुत प्यारी बात बोली है। हर एक इंसान की जिंदगी में दुनिया भर की उलझने रहती है, सुबह से स्टार्ट हो जाती है और शाम तक का पता नहीं कितनी उलझने आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन फिर भी अगर इंसान जो है वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहे, अपनी राह की ओर बढ़ता रहे, वही रियलिटी में अपनी मंजिल की कदर करता है। हजारों उलझने राहों में है, कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है गुलजार साहब के द्वारा कि जिंदगी में बहुत सारी उलझने आए हैं, फिर भी अगर आप लोग चलते रहते हैं, आप लोग भले ही कछुए की चाल पर चलिए, आप लोगों को चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यानी कि खरगोश नहीं बन से तो कछुआ बनो, पर लेकिन रुकना नहीं है। अगर ये वाले पैटर्न में आप लोगों ने जिंदगी को जीने स्टार्ट कर दिया तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को कभी देखने को नहीं मिलेगी। वो नहीं कहते कि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है। अगर जिंदगी में आप लोगों ने ना रुकना सीख लिया कि भले ही कोई भी दुर्गति क्यों ना हो, कंडीशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, अपना बेसिक काम तो करना ही करना है। और बेसिक काम जब भी मैं बोलता हूँ कि मिनिमम आप लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ क्राइटेरिया क्रिएट करना चाहिए, जैसे कि कुछ भी हो जाए चाहे जिंदगी में, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सामने एक प्रॉपर लेक्चर लेकर आ सकूं, मेरी जिंदगी में चाहे बैकग्राउंड में कुछ भी चलता रहे। इसी के चलते अगर आप लोग कुछ भी जिंदगी में चाहे होता रहे, अगर कोशिश करें कि 4 से 5 घंटे या फिर 6 घंटे की अपनी मिनिमम स्टडी आप लोग करनी है, 4 घंटे भी अगर आप लोग लगे ना कि जिंदगी में चाहे कितनी भी दुर्गति क्यों ना हो जाए, पर 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो आप लोग अपने आप को देखोगे एक सही मुकाम पर, आप लोग अपने आप को पाओगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर के फादर साहब की डेथ होगी, उसके बाद ही बंदा जो है मैच खेल रहा है। सेम कंडीशन विराट कोहली के साथ में आप लोगों को देखने को मिली, तो यार इससे बड़ी और बुरी कंडीशन क्या होगी इंसान की लाइफ में। उसके बाद भी इंसान ने अपने माइंड को स्टेबल रखकर अपनी जो मैच खेली, तो यार ये वास्तव में ही एक अप्रिशिएट और सैल्यूट करने वाली बात है। तो जिंदगी में आप लोग भी कुछ ऐसे ही गोल अपने बना सकते हैं कि मिनिमम इतना तो काम करना ही कर रहे हैं। डेली 1 घंटा अगर आप लोग मान लीजिए एक्सरसाइज नहीं करनी है तो कोशिश करो 15 मिनट करो, पर लेकिन एक्सरसाइज जरूर करो, ठीक है। अपनी जिंदगी में डेली रोज आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो, पूरा एक क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो, तो कम से कम 1 पेज लिखो, आधा पेज लिखो, कुछ लाइन लिखो, पर लिखो जरूर। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, भले ही 4 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जरूर। वरना आप लोगों को फिर वही बात बोलूंगा कि अगर रुक जाओगे तो पानी की तरह सड़ जाओगे। तो हमेशा बहते रहिए, अगर रियलिटी में चाहते हैं कि आप लोगों की जिंदगी में खुशी बरकरार रहे। देखिए बड़ी ही आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई किल्लत देखने को मिलती है, तो उनको साइड में रखते हुए अपने काम पर फोकस करो, फिर चीजें आप लोगों को आसान नजर आएगी। पर लेकिन अगर पूरा फोकस अगर दिक्कतों पे रहेगा तो फिर यार वो दिक्कतें हैं आपके सर पर चढ़ती और नाचती हुई नजर आएंगी। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को उनके सर पर चढ़ना है या उनको अपने सर पर चढ़ाकर रखना है। तो आज जो है ये 6 फरवरी का दिन भी आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं। कैसा रहा आज का दिन, जैसा डिसाइड किया था उसको कितना मार्क्स आप लोग देंगे, 100 में से कितने बेसिकली आप लोग मार्क्स देंगे अपने इस दिन को, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। और कल के दिन का प्लान रेडी कर लीजिए ताकि कल का दिन जो है वो शानदार तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर सको। डेली अगर ये काम भी करते रहे तो जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप लोग को देखने को मिलेगी। और मॉर्निंग में उठकर सही टाइम से अपने शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट करो तो जिंदगी आप लोग के हिसाब से आप लोग को चलती हुई नजर आएगी। काफी शानदार आज का ये लेक्चर रहने वाला है, टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है। पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो भी इंपोर्टेंट लगते हैं खासकर इंडियन एक्सप्रेस के, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर करता हूँ ताकि सही डायरेक्शन में आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे, करंट प्लस स्टैटिक के साथ में। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो आज की न्यूज है, एक ओवरव्यू आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर अभी डिमांड की जा रही है, जो कोयला है इनके कोल है, एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम में 1.3 से 1.5 बिलियन टन जो है 2030 तक यहां पर इसकी खपत जो है वो बढ़ने वाली है। आप लोगों को पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था 2070 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, नेट जीरो एमिशन करने वाले हैं। पर लेकिन यहां पर तो ये उल्टी गंगा बह रही है, जो बोला गया था उसके अपोजिट में हमारी चीज चल रही है। तो जानेंगे पूरा रीजन इसके पीछे क्या है और ये बात किसके द्वारा बोली गई है। यानी ये बात भी बोलने वाला कोई और नहीं है यहाँ पर, बात भी बोलने वाला गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट है, बताइए किसके द्वारा ये बातें बोली गई। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। ये बेसिकली हिजाब जो पहनते हैं, बेसिकली अगर बात करें मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियां, तो उसको यहाँ पर उसको एंट्री करने से मना कर दिया अगर वो उसको पहने हुई थी। तो ये काफी बड़ा इशू बना यहाँ पर, तो समझेंगे आखिर क्या मुद्दा है। अगर रिलीजन के बारे में बात करें तो वो कहां पर आता है और क्या क्या इशू बन सकता है उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें हमारे संविधान के अंदर, जब आप लोग फंडामेंटल राइट के अंदर जाएंगे, यानी कि पार्ट 3 के अगर आप लोग अंदर जाकर झांकोगे तो आप लोग कई सारी चीजें वहां पर दिखाई देंगी, जिसमें एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसमें बात करते हैं फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड द राइट फ्रीली टू द प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर, बेसिकली प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, यानी कि स्वीकार करें
अभ्यास करें और प्रचार करें। तो अपने रिलीजन को ये लोग जो है इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर पर्सन अगर चाहे, यानी कि आप लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे अधिकार आप लोगों को मिले हुए हैं इस तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो करने के। तो कौन सा संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद आप लोगों को ये अधिकार देता है? इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से बनाई जाती है उसको आप लोग क्या बोलते हो, ये आप लोग को बताना है। रिजर्व फॉरेस्ट है एक पर्टिकुलर, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है, यानी कि गोल्डन कलर के लंगूर है यहाँ पर ये, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बात की जा रही है नेक्स्ट यहाँ पर फ्लाई एस के बारे में। फ्लाई एस यानी कि जो उड़ती हुई राख होती है, खासकर जो कोयले से बिजली बनाई जाती है उसके बाद में, या फिर कोयले को जलाया जाता है उसकी वजह से जो एस उड़ती है उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर किसके द्वारा बोला गया है कि इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए, वरना ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ पर अभी ज्वाइंट मिशन है, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर यहाँ पर इसको टैकल करने की बात की जा रही है, ये आप लोग को बताना है। फ्लाई एस नोटिफिकेशन यहाँ पर इश्यू किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो ये एक्ट कौन सा है जो कि यहाँ पर कोशिश करता है कि कल को चलकर कोई ऐसी दिक्कतें नहीं देखने को मिले जिससे लोगों की सेहत पर यहाँ पर एक गलत इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आए। तो ये बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे काफी डिटेल में अच्छे से। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है यहाँ पर जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, वुमेन इश्यू या फिर जुडिशरी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं। और ये जो आर्टिकल है यहाँ पर कवर किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, तो देख सकते हैं काफी डिटेल में यहाँ पर इसको एक्सप्लेन पेज के अंदर कवर किया गया था। तो हम भी इसको इतने ही डिटेल में समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले। पहले कहानी समझ लेते हैं यहाँ पर बेसिक मुद्दा क्या है। जो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली यहाँ पर जो लड़के हैं वो हिजाब पहनती हैं, कई बार सर पर अपने मुंह को यहाँ पर ढकती हैं इस तरीके से। तो ये बोला गया यहाँ पर कर्नाटका के जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में जो खासकर मुस्लिम जो लड़कियां थी उनको यहाँ पर कवर करने से मना कर दिया और यहाँ पर इस तरीके से कॉलेज में भी एंट्री करने से मना कर दिया गया, ठीक है। तो ये काफी एक लीगल क्वेश्चन बन गया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत क्या यहाँ पर ये राइट अगर किसी को है कि हिजाब पहनना यहाँ पर उनका अधिकार है तो क्या इसको अलाउ करना चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो समझेंगे पूरा मुद्दा आखिर क्या है और इस तरीके इश्यू सोसाइटी में अगर होते हैं तो क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, तो अच्छे से हम लोग चीजें समझेंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए पीछे से आप लोगों को हो सकता है थोड़ी आवाज आ रही हो, ढोलक बज रहे हैं भाई साहब, पता नहीं कैसा सेलिब्रेशन चल रहा है, मतलब लग रहे हैं दबा कर एक तरीके से। मैंने चारों तरफ से खिड़की दरवाजे अपने बंद कर रखे हैं, फिर भी हो सकता है बीच बीच में आप लोगों को आवाज आ रही हो, बीच बीच में रुक रहा है फिर से स्टार्ट हो जा रहा है। चलो कोई नहीं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, उनको एंजॉय करने दो, आप लोग लेक्चर एंजॉय करो, ठीक है। हमारी कंट्री में अगर आप लोग संविधान के अंदर जाओगे तो आप लोगों को पार्ट 3 में जब आप लोग देखोगे फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है इस अनुच्छेद के अंदर में, 12 से लेके 35 तक। पर इसके अंदर भी थोड़ा सा डिटेल में अगर आप लोग बात करोगे तो आर्टिकल जब 25 से लेकर 28 तक आप लोग देखोगे तो यहाँ पर राइट टू रिलीजन के बारे में बात की जा रही है। इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 जो है यहाँ पर ये बात करता है किसके बारे में, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड द प्रोपोगेट, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था यहाँ पर कि आप लोग अपने रिलीजन को किस तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो कोई भी आप लोगों को यहाँ पर रोकेगा नहीं, ये आप लोग के रिलीजन के जो फंडामेंटल राइट है ऑलरेडी आप लोगों के लिए उसके संविधान के अंदर में उनमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कोई भी आप लोगों को ये काम करने से मना नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से कि अगर आप लोग अपने रिलीजन को आगे लेकर चलना चाहते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है पर्टिकुलर, ठीक है। तो बोला गया है कि यहाँ पर ये एक राइट है जो कि गारंटी देता है यहाँ पर एक नेगेटिव लिबर्टी, मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक पर्टिकुलर पर्सन को इतने सारे अधिकार दे दिए जिसकी कुछ हद नहीं है, और वो पर्टिकुलर पर्सन अपने अधिकार को कैसे कैसे यूज करता है तो वो भी यहाँ पर स्टेट जो है वो उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर स्टेट अगर उसके अंदर नहीं आएगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीजें हो जाए जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है तो उसको यहाँ पर अलग तरीके से देखने की स्टार्ट कर देते हैं। कई बार अगर बात करेंगे हम लोग किसी के अगर अधिकार में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और उसके अधिकार जो है वो दूसरों के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं तो कैसा होगा, तो इसलिए यहाँ पर कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बोला गया इट इज ए राइट दैट गारंटी ए नेगेटिव लिबर्टी, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी यहाँ पर देता है, जिसका मतलब क्या है कि स्टेट सेल इंश्योर दैट नो इंटरफेरेंस और ऑब्स्टिकल टू एक्सरसाइज देयर फ्रीडम। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर कि कोई भी उनकी फ्रीडम में कोई भी ऐसा एक तरीके से इंटरफेयर न हो, एक तरीके से प्रॉपर वे में इंसान जो है वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। अगर फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग बात करें वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है जिनको हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। रीजनेबल मतलब उनके पीछे रीजन है भाई साहब रिस्ट्रिक्शन लगाने का, ऐसा नहीं कि हवा में रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तो इसलिए उनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब वो रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आप लोगों का फंडामेंटल राइट है वो किसी और के फंडामेंटल राइट में एक तरीके से उल्लंघन कर रहा है, यानी कि आप लोग बोलते हैं कि मुझे मेरी प्राइवेसी है मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं, पर लेकिन दूसरे की प्राइवेसी में ताका झांकी हो रही है,
तो ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। डिसेंसी शालीनता अगर आप लोग भंग कर रहे हैं, मोरलिटी नैतिकता अगर भंग कर रहे हैं, हेल्थ या फिर अदर अगर कोई इंटरेस्ट हो, आप लोग ये बोलने लगे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे एकदम, मतलब समझ में आया। अभी मान लीजिए आप लोगों को कोरोना हो गया, ठीक है, और आप लोग पब्लिक में घूम रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल खांसते हुए, बिल्कुल छींकते हुए, मतलब किसी को भी है ना एक तरीके से मुंह जब छींक रहे हैं तो मेट्रो में खड़े हैं और दुनिया भर के लोग हैं वहां पर आप लोगों को कोरोना रखा है, ठीक है, तो क्या होगा फिर समझ सकते हैं आप लोग क्या कंडीशन होगी। तो आप लोग बोलने लगे कि नहीं मुझे तो फ्रीडम मिली हुई है, मैं तो मेरा अधिकार है, फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, मैं एंजॉय करूंगा, तो आप लोग तो एंजॉय करें पर दूसरे की हेल्थ बर्बाद हो रही है ना, ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हर एक इंसान को अपनी डिसेंसी में इंसान को रहना चाहिए कि अगर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये आप लोग समझिएगा इस तरीके से, ओके। और जब मैंने आप लोगों को बोला यहां पर तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं कई बार ना मतलब समझाने के मूड में रहता हूं, कई बार अपने ऊपर एग्जांपल ले लेता हूं, कई बार आप लोगों के ऊपर एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा हस्तपुष्ट रहे, किसी को कोई बीमारी देखने को न मिले। तो एक बार मैंने मैं मैक्सिमम जब भी अपने बारे में बोलता हूँ तो कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारे बारे में बोल दे ब्रो, तो मैंने कहा आज आपके बारे में बोलता हूँ देखो आप हो चाहे मैं हूँ, अगर हस्तपुष्ट रहेंगे तभी हम लोग काम को आगे कर पाएंगे, वरना दिक्कतें में आ जाएंगी चीजें। मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप लोग सुनने के लिए नहीं होगी, आप लोग अगर बीमार हो जाते हैं और अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो फिर यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी कि आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने मुझे दिक्कत होगी फिर, ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का हस्तपुष्ट रहना जरूरी है। और जब भी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिलीजन के बारे में तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा ही छानबीन कर उसके अंदर इंटरफेयर करता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला था 1954 में यहाँ पर सिरूर मुत करके केस था यहाँ पर, जिसमें रिलीजन को बड़े ही अलग तरीके से देखा गया। बोला गया रिलीजन जो है वो कवर करता है ऑल रिचुअल्स और जो प्रैक्टिस होती है जो कि इंट्रीगल है टू द रिलीजन, यानी कोई भी ऐसी प्रैक्टिस यहाँ पर जो कि एक रिलीजन का इंट्रीगल पार्ट है तो वहां पर वो बेसिकली रिलीजन के अंदर कवर होगा, यानी कि एसेंशियल है रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, उसके बिना रिलीजियस प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगी, तो यहाँ पर उसको एसेंशियल बोला गया है। तो कई बार जो जुडिशरी है यहाँ पर वो क्या करती है, देखो जो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो स्पेशलिस्ट है कई बार लीगल एक्सपर्ट है या फिर गवर्नमेंट है तो उनके दायरे से थोड़ा ऊपर उठकर इनके द्वारा कई बार डिसीजन दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा, तो इसके चलते कई बार वो चिल्लाते रहते हैं कि यहाँ पर यार ये क्या कर दिया, मतलब हम तो ऐसा सोच रहे थे ऐसा कर दिया, तो कई बार जुडिशरी के ऊपर ये लोग गुस्सा भी होते हैं आप लोग को नजर आएंगे। जो लीगल एक्सपर्ट है वो कई बार ये चाहते हैं कि रिलीजन को साइड में रख देना चाहिए जब पब्लिक ऑर्डर की बात है वहां पर, क्योंकि जनता के फायदे में बात की जा रही है, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ पर, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजों को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आता है जब भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें ऐसा भी नहीं है कि वो सारी ही चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे तांडव डांस जो पब्लिक में किया जाता था यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट के द्वारा, जिनको यहाँ पर आनंदा मार्ग बेसिकली बोला गया था सेक्ट, तो उनका बोला गया कि फंडामेंटल राइट है वो तांडव डांस कर सकते हैं, तो भाई साहब तांडव डांस आप लोग कर सकते हो, पर लेकिन यहाँ पर ये बोला गया एक तरीके से कि फंडामेंटल राइट नहीं है कि परफॉर्म तांडव डांस इन पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्ट्रीट यानी कि गलियों में आप लोग तांडव डांस करो, अपने को यानी कई बार आप लोगों ने देखा होगा खोपड़ियां लेकर घूमते हैं कोड़े वगैरह मारते हैं, तो ये आप लोगों के रिलीजन का बेसिकली पार्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों के रिलीजन का पार्ट है आप लोग सड़कों पर तांडव डांस करते हुए घूमोगे, तो उसको रोका भी गया। तो कई बार यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं पाते हैं यार सुप्रीम कोर्ट जो है वो किधर को जाने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है हमेशा चीजों को एनालाइज करता है और एनालिसिस के बेस पर अपना जो है डिसीजन सुनाता है, पर्टिकुलर केस टू केस वेरी करता है। इसीलिए जब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि भाई साहब बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दो, 1973 में जब केशवानंद भारती का केस आया तो बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर सबने बोला क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ये तो बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वो मैं केस टू केस डिसाइड करके बताऊंगा यानी कि ये बोल दिया कि तुम केस लेकर आओ फिर मैं देखता हूं कि तुम वो कितना कंट्रोल करना है, तो सारे जो है वो नहीं कहते सारी तीर कमान जो है अपने हाथ में रख लिए कि तुम आओ तो सही मैं देखता हूं कि तुम बदतमीजी कितनी करते हो, अगर मुझे लगेगा तुम्हारी बदतमीजी जो है पराकाष्ठा पार कर रही है तो भाई साहब मैं फिर तुमको ऐसा गोल गोल घुमाऊंगा जैसा अभी महाराष्ट्र असेंबली के बारे में किया गया। आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र असेंबली में क्या दिक्कतें देखने को मिली, उनके द्वारा लगा कि तुम ज्यादा स्मार्ट हो और उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि इनको हम लोग मतलब देखिए असेंबली से बाहर रख सकते हैं काफी लंबे समय तक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो कैसे, तो उनके द्वारा समझाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसे ऐसे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ज्यादा शान पत्ती मत दिखो जो तुम मुझे सिखा रहे हो ना बेटा, ये कंचे बहुत पहले खेल के आ चुके हम लोग, ठीक है, तो उनको साइड में कर दिया। तो एसेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो क्या होती है और किस तरीके से किस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम लोग टाइम टू टाइम जो है वो केस बाय केसेस अपने हिसाब से बताते रहेंगे। और जब भी यहाँ पर ये इस तरह की चीजों को चेक करता है तो कोर्ट क्या करता है वो कम्युनिटी बेस्ड तो चीजों को देखता ही देखता है, इंडिविजुअल की फ्रीडम को भी देखता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें 2016 में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक केस पहुंचा एक मुस्लिम एयरमैन का, वो चाहता था कि वो दाढ़ी रखे पर लेकिन एयरफोर्स में ये चीजें अलाउ नहीं की जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर आर्म फोर्स रेगुलेशन एक्ट 1964 वो प्रोहिबिट करता है कि यहाँ पर जो दाढ़ी है बेसिकली वो आप लोग इस तरीके से ग्रो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीजों को रोकने की कोशिश की जाती है। तो पर्सनल whose religion prohibit the cutting of hair or the shaving of face, ठीक है, तो
तो यहां पर बात की गई तो बोला यह गया कि अगर इस तरीके से आप लोग देखते हो, कोर्ट ने बोला कि यहां पर जो बियर्ड है वो नोट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिस, तो ये बोला गया कि वो इसेंशियल पार्ट है ही नहीं। तो इस तरीके से यहां पर जो कोर्ट है वो बड़ी ही तांक झांकी यहां पर करता है, तो कई तरीके से चीजों को देखता है, तो कोर्ट को चीजों को देखने का तरीका बिल्कुल अलग नजर आएगा कई बार। ऐसा ही एक केस से हम यहां पर बात करें, बात की जा रही है बेसिकली अमना बिंत बसीर वर्सेस यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई का 2016 का केस था। केरला हाईकोर्ट ने काफी क्लोजली एग्जामिन किया केस को, जिसमें उसके द्वारा बोला गया कि प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग ए हिजाब जो कॉन्स्टिट्यूट करता है इसेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिस है बट डिड नॉट पैस द सीबीएसई रूल, पर लेकिन सीबीएसई का जो रूल था उसको भी क्वेश्चन नहीं किया, यानी कि उसने बैलेंस बनाने की कोशिश की गई एडिशनल मेजर के लिए यहां पर बात की गई ताकि सेफगार्ड किया जा सके दोनों चीजों को, ठीक है, यानी कि सामने वाला भी अपनी चीजों को एंजॉय कर ले और उसके सीबीएसई के जो रूल और रेगुलेशन है वो भी यहां पर बरकरार रखे जा सके। पर लेकिन ऐसा ही केस था यहां पर जिसमें बात की जा रही थी, यहां पर फासिमा तस्नीम वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस, तो वहां पर ये बोला गया कि एक यूनिफॉर्मिटी बनाना जरूरी है, यानी कि एक ही क्लास में मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की आ रही है, उसी क्लास में यहां पर हिंदू कम्युनिटी की लड़की आ रही है, और एक ड्रेस कोड यहां पर रखा गया सारी लड़कियों के लिए, तो एक यूनिफॉर्मिटी को यहां पर एक तरीके से प्राइमेसी यहां पर दी गई कि एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अगर इंस्टीट्यूशन के जो अधिकार है कि एक ड्रेस कोड है उनको यूनिफॉर्मिटी में लाना चाहिए, और एक तरीके से इंडिविजुअल का जो अधिकार है कि हां आप लोगों को कोई ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम यूज करना है जो कि आप लोग के रिलीजन में यूज किया था, तो बोला जाता है कि इंस्टीट्यूशन को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल के, तो ये बातें यहां पर बेसिकली बोली जाती है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, बिना कोई उल्टे सीधे अपशब्द यूज किए हुए आप लोग भी अपनी भावनाएं रख सकते हैं, हालांकि मुझे पता है सेल्फी मेंबर कोई भी यहां पर उल्टे सीधे शब्द यूज नहीं करते हैं, पर कोई नया मेंबर अगर सुन रहा हो तो वो भी यहां पर अपनी बातें बेसिकली रख सकता है ताकि कोई भी ऐसा कंफ्यूजन देखने को न मिले। बाकी बताएगा आप लोग क्या सोचते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। काफी इंपोर्टेंट यहां पर यार ये केस है, इसको आप लोग ढंग से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी और किस तरीके चीजों को लेकर चला जाता है वो भी आप लोग समझ पाएंगे। जीएस पेपर 3 में मिनरल एनर्जी जो रिसोर्सेस हैं उसमें ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोगों को मैंने कई सारी न्यूज डिस्कस की थी कुछ महीनों पहले तक, आप लोगों को पता है कि यहां पर नवंबर के महीने में भी आप लोगों को यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 देखने को मिली थी ग्लासगो के अंदर में, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा काफी बड़े बड़े वायदे किए गए, जिसमें से एक काफी बड़ा वायदा था कि हम लोग कार्बन एमिशन को खत्म करेंगे 2070 तक का, तो ये बातें यहां पर बोली गई थी, उसको जीरो लेवल पर लेकर आएंगे। पर लेकिन अभी खुद हमारे ही देश के इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा 2021-22 का जो प्रस्तुत किया गया उसमें ये बोला कि हम लोग और ज्यादा पुश करने वाले हैं यहां पर कार्बन को यानी कि कोयले को, और यहां पर 2030 तक का इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ने वाली है। रिन्यूएबल एनर्जी को साइड में रखकर हम लोग यहां पर बेसिकली इसके ऊपर ज्यादा फोकस देते हुए आप लोग को नजर आ रहे हैं, तो उसी के चलते ये फिर से न्यूज में आ गया। तो बोला जा रहा है कि यहां पर 63% के करीब जो करंट जो 2019-20 के कंपेयर में जो यहां पर जो डिमांड है वो आगे बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, खासकर आयरन और स्टील का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। देखिए आयरन और स्टील का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, इसका मतलब ये कि कोयले की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, क्योंकि कोयला काफी ज्यादा यूज किया जाता है और अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास में है नहीं कि हम लोग कोयले को रिप्लेस कर कोई और साधन यहां पर इनमें यूज करना समझ सके, तो इसका मतलब यह कि हम लोग कोयला ही यूज करने वाले हैं। काफी एक बेहतरीन मैगजीन है जिसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ, तो डाउन टू अर्थ जो है यहां पर ये कई सारे ऐसे आर्टिकल जो है वो छापती है, तो इसी के द्वारा यहां पर ये आर्टिकल कवर किया गया जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बातें की जा रही है। बात यहां पर ये की जा रही है कि अभी फिलहाल जो है हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूअसली यहां पर एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, तो उसके चलते यहां पर जो कोयले का भी एक्सपेंशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो बोला यह जा रहा है कि 2022 से लेकर 24 तक का लगभग आप लोगों को यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.4%। तो यहां पर ये लार्जली अगर बात करो यहां पर ये आप लोगों को कोयले का यूज होता हुआ यहां पर इसके अंदर नजर आएगा। फिर से मैंने अभी बताया यहां पर कि स्टील अगर आयरन आप लोगों को बनाना है उसको यूज करना है तो कोयला उसमें आप लोग यूज करते हुए नजर आओगे। तो हमारी कंट्री में कोयला की जो माइनिंग है उसके प्रोडक्शन में उसके ऑक्शनिंग में और ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि जो गवर्नमेंट की जो कंपनी थी जिसको कोल इंडिया बोलते थे उसके साथ में अब प्राइवेट वाले भी यहां पर आकर इसमें अच्छे से चीजों को एंजॉय करें, तो इसके चलते आने वाले टाइम में काफी इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके चलते यहां पर, ठीक है। और ये हमारे ही कंट्री में नहीं है, ये कई सारे और भी देश इसमें कर रहे हैं, इनमें इवन चाइना भी आप लोगों को इसमें से एक नजर आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहां पर कोल माइनिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इसीलिए ओपन कर रही है क्योंकि काफी एम्बिशियस यार ये एक एरिया है, और आज की डेट में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे देश में वो कोयले का यूज कर ही बनाई जाती है। ये तो अभी हम लोग नए नए ताजे ताजे हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि हम लोग यूज करने लगे आज के डेट में ये जो सोलर एनर्जी वगैरह, वरना अब तक कोयले के ऊपर काफी ज्यादा हमारी जो डिपेंडेंसी वो थी आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो कोयला यूज करना स्टार्ट किया तो इसके हिसाब से अब थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में जो है वो चेंज होती नजर आएगी, तो उसी के बारे में यहां पर अभी बात की जा रही है।
गवर्नमेंट क्या एंटिसिपेट कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है कि इफिशियंसी लाएगी और कंपटीशन लाएगी कोल प्रोडक्शन में, यानी कि अगर कोयले को प्राइवेट वाले भी यहां पर निकालने स्टार्ट करेंगे तो फिर यहां पर एक कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगा और ज्यादा से ज्यादा जॉब भी क्रिएट होती नजर आएंगी, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। और अभी तो चाइना भी अपने आप को डेवलपिंग बोलते हैं, वो एक अलग बात है क्योंकि डेवलपिंग जो स्टेटस है वो इंसान जो है वो अपने आप दे लेता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा ना, कई सारे लोग जो हैं वो अपने आप को ईमानदारी का स्टेटस दे लेते हैं, ठीक है, हम ईमानदार हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि हम लोग चोर नहीं है, हर एक चोर अपने आप को ये बोलता है कि वो चोर नहीं है। तो ऐसे यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे ही चाइना भी ऐसी कुछ हरकतें करता हो आप लोगों को नजर आता है। पर लेकिन कंसर्न यहां पर ये कि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी वैसे वैसे लोकल पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जैसे जैसे यहां पर एमिशन बढ़ेगा तो कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है वो भी आप लोगों को काफी लार्ज स्केल में यहां पर एमिशन निकालते हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते यहां पर जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये देखने को मिल रही है, जो कि यहां पर ये बेसिकली कोयले के जो प्लांट है ना, उनको बोल तो दिया आप लोगों ने यहां पर रूल और रेगुलेशन बना दिए, पर लेकिन इसकी क्या गारंटी है वो रूल और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं आंसर राइटिंग करो, डेली 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के देता हूं। सैटरडे में मैंने आप लोगों को ऐसे दिया था लिखने के लिए, संडे में मैंने आप लोगों को यहां पर ऐसे के साथ साथ में आप लोगों को संडे में मैंने जो एथिक्स का क्वेश्चन भी दिया था लिखने के लिए। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया सबने, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यार सीधा सीधा ये है कि हर एक इंसान जो है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि वीडियो को अगर लाइक कर दिया करो तो इससे क्या होगा, एक अच्छी डायरेक्शन में वीडियो चलेगी और यूट्यूब को पता चलेगा ये वीडियो अच्छी है, तो इसको आगे भी फॉरवर्ड करेगा। पर लेकिन आप लोग खुद देखें, आप लोग कितने लोग खुद ही यहां पर बोलने के बाद भी वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। 1/4 मैंने बोला था कम से कम लाइक कर दिया करो। तो ये सारी चीजें वॉलंटरी होती है, तो हम लोगों ने रूल और रेगुलेशन तो बना दिए हैं आज के में कोयले वाले जो पावर प्लांट है उनको ये फॉलो कर रहे हैं, पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ग्राउंड पे जाकर चेक कौन कर रहा है, किस किसने यहां पर उसको फॉलो किया है, तो वो वाली बातें हो जाती है। तो ग्राउंड पर जब जाकर चेक किया जाता है उसमें यहां पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो इनएडुकेट आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि कथनी और करनी में फर्क यहां पर आप लोगों को नजर आ जाएगा। मॉर्निंग उठने के लिए बोलता हूं, कितने सारे आप लोग उठते हो खुद देख लो, बोल तो कई सारे देते हैं कि हम सर मॉर्निंग उठ जाएंगे, पर लेकिन रियलिटी में उसमें उठने के लिए हिम्मत लगती है, हालांकि लाइक करने में हिम्मत नहीं लगती वो एक अलग बात है, पर फिर भी पता नहीं जो भी है आप लोगों के माइंड में चलता है। उसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे बड़ी बात यहां पर होती है कि प्लान बना तो दिया है कि ये करना है ये करना है, पर उसको यहां पर लग क्यों नहीं रहे, कर क्यों नहीं रहे, वो चीजें यहां पर समझ में नहीं आती है। तो कंसर्न यही निकल के आता है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से फिर यहां पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप लोगों को देखने को मिलता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां पर और काफी सारी प्रॉब्लम निकलती है, एग्रीकल्चर पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, एग्रीकल्चर पर इसी के साथ में बात करेंगे। तो एनवायरमेंट पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, खासकर अगर बात करें ग्लेशियर पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें बर्फ वगैरह पिघलना स्टार्ट हो गया पर्वतों से, तो यहां पर बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाती है, तो सारे इश्यूज यहां पर देखने को मिलेंगे। अभी कई सारे और टारगेट लगाए जा रहे हैं, बोला जा रहा है दिल्ली के अंदर में कि लगभग यहां पर 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। पर लेकिन अगर ऐसा भी कुछ कर पाते हैं तो 0.04% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के जो बेसिकली निकलती है उसको कम कर पाएंगे। एफोरेस्टेशन जो है ऐसा नहीं कि इंपैक्ट नहीं डालेगा, पर लेकिन जितना ज्यादा यहां पर कोयला आप लोग यूज कर रहे हो उसको कंपेयर में ये ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें स्विचिंग करें रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, कोयला कंपनी को अगर बोले तो वो ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों को डालता हुआ नजर आएगा, यानी कि लो कार्बन इकोनॉमी के ऊपर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को सॉल्यूशन यहां पर निकलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो फिर आप लोग यहां पर चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। कई सारे और कंसर्न के बारे में अगर बात करूं, जो पीएसयू है वो इंस्टॉल कर रहे हैं यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी, बोला गया कि 1496 मेगावाट यहां पर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो बोला ये जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर में प्लान है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 5560 मेगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को आने वाले टाइम में यहां पर यूज किया जाएगा। तो बोला ये जा रहा है कि अगर ये सारे भी प्लान आप लोग इंप्लीमेंट कर लेते हो ना, तो जो आप लोग टारगेट करके आए हो 2070 तक का आप लोगों को कार्बन एमिशन को जीरो करना है, उसका 1% ही आप लोग यहां पर ओनली अचीव कर पाओगे। तो अगर 2030 तक आप लोग ओनली 1% अचीव कर पा रहे हो तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा अगर इसी लेवल पर आप लोग आगे बढ़ोगे। 500 गीगावाट इंस्टॉलेशन की बात आप लोगों ने किया नॉन फॉसिल फ्यूल, 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट आप लोगों ने बोला रिन्यूएबल एनर्जी और रहेगी यहां पर 2030 तक का। तो यहां पर ये सारी चीजों को प्रॉपर वे में आप लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसे इस तरीके से जैसे पैटर्न में चीजें चल रही हैं उस पैटर्न में आप लोग इनको कभी भी आज की डेट में कम से कम कंप्लीट करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये बातें यहां पर बोलेगी, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आइए इसी बहाने से थोड़ा सा कोयले की जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। कोयला जो है यहां पर ये काफी अबंडेंस में पाया जाता है, ये खासकर अगर बात करें एक फॉसिल फ्यूल है, रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में यहां पर ये नहीं आता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, पर लेकिन डोमेस्टिक फ्यूल है, हमारे देश में भी काफी लार्ज स्केल पर यहां पर ये पाया जाता है,
जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और कोयले के द्वारा बनाई गई बिजली को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, थर्मल पावर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में जो कोयला है यहाँ पर वो हम लोग यूज कर रहे हैं आज के डेट में। अगर बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अगर बात करें अर्थ में से इसको निकाला जाता है, लेयर में से खुदाई कर, ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसको यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। कई सारी कंट्री तो इसको काला, एक तरीके से सोने काला जो हीरे के तरीके से, नहीं ब्लैक डायमंड के तरीके से भी इसको देखती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर कोयला आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर में। पर लेकिन हमारे देश में दिक्कतें क्या है, हमारे देश में जो कोयला पाया जाता है वो ज्यादा क्वालिटी का नहीं रहता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर जो कोयला होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट, तो ये कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग लेवल का कोयला आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। और जैसे आप लोग ऐसे भी पीडीएफ पर जाएंगे वहां पर ही मैंने कोयले के बारे में आप लोगों को शेयर कर रखा है, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी यहाँ पर इनकी क्वालिटी के बारे में। आप लोग देखते हैं एंथ्रासाइट जो होता है सबसे बेस्ट कोयला होता है, और यहाँ पर जो पेट होता है ये सबसे आप लोगों को बेकार क्वालिटी का कोयला, बस पानी टाइप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखते हैं, और इस तरीके से आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं, कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का होता है वो होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट जो है सबसे ज्यादा होता है, आग लगाने पर आसानी से आग लग जाती है और काफी अच्छे लेवल पर जलता भी है। अगर बात करें यहाँ पर रानीगंज, जो यहाँ पर रानीगंज झारिया, धनबाद और बकारो जो झारखंड के अंदर है, सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक और थोड़ी सी इंपोर्टेंट बात जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, हमारी कंट्री में सबसे पहले अगर बात करें तो ये था रानीगंज। रानीगंज जो था यहाँ पर ये कोयल फील्ड सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये 1774 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। और बाकी कहां कहां पर यूज है ये भी आप लोगों को मैंने यहां पर प्रोवाइड करा रखे हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी नजर डाल लेना, टॉपिक आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा, कोई भी चीज आप लोग की बचेगी नहीं। देखिए स्टैटिक प्लस करंट का मतलब यही होता है। ठीक है, वरना स्टैटिक तो मतलब करंट तो होता है स्टार्टिंग में बताकर छोड़ दिया, अब ये सारा फिर स्टैटिक पोर्शन कवर आप लोग का हो जाता है आगे। और आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो मैंने बनाई थी ना, किस किसने देख लिया सिलेबस वाली वीडियो, जिसने देख लिया वो यस बोलना और जिसने नहीं देखी वो नो बोलना। और अगर रियलिटी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस जीएस वन पेपर 1, 2, 3, 4 या एसए या फिर आप लोग का ऑप्शनल या फिर आप लोग का बात करें प्रीलिम्स के, तो सारी चीजें वहां पर कवर की गई है। अगर उसको समझोगे तभी आप लोग यूपीएससी को लेकर आगे बढ़ोगे, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बताया गया कि कार्बन का कंटेंट जो है जिसमें ज्यादा होगा उसमें अच्छी आग लगेगी, वरना कोयला जो होता है वो कई बार ऐसा पानी सा कोयला आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी मिट्टी जैसा कोयला, तो उसमें आग भी नहीं लगती और हमारे देश में मैक्सिमम वही पाया जाता है। अच्छी क्वालिटी का कोयला हमारे देश में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है। ठीक है, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से जीएस पेपर 3 के अंदर यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट बेसिकली आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। अभी बात की जा रही है आसाम में कुछ गांव वाले हैं वो अपोज कर रहे हैं यहाँ पर जो गोल्डन लंगूर हैबिटेट है, यानी कि जहां पर गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं उनका जो एरिया है उसको सेंचुरी का टैग देने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अगर उसको सेंचुरी का टैग दे दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आसाम के जो लोग हैं वहां पर उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली कौन सा एरिया है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इसको बोला जा रहा है यहाँ पर काकोई जाना। ठीक है, तो यहाँ पर काकोई जाना ये बेसिकली एरिया है, काकोई जाना बामुनी हिली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पर काकोई जाना ये रिजर्व फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। तो इनको यहाँ पर गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। गोल्डन लंगूर आप लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ इस तरीके के लंगूर देखने को मिलेंगे, और ये जो इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर कवर किया गया हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में, देखिए ऐसी ऐसी न्यूज हिंदू जो है वो काफी कवर करते हैं और इनको काफी इंपोर्टेंट भी, इनको काफी इंपोर्टेंस भी देती है यहाँ पर यूपीएससी भी। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरीके का कोई पॉइंट होता है उसके ऊपर स्टार लगा दीजिए, क्योंकि उसके एग्जाम में जो है आने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। जो बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से गोल्डन लंगूर के बारे में, तो कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली आखिर क्यों यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं विलेजर्स, आखिर विलेजर्स यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात आती है और पूरा मुद्दा क्या है एक एक मैं आप लोगों को समझाऊंगा। विलेजर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो विलेजर्स यहाँ पर वो डिमांड ये कर रहे हैं कि अगर जो आइडिया यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का उसको ड्रॉप कर देना चाहिए और इसको रिजर्व फॉरेस्ट को जो है उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए आप लोगों को कम्युनिटी फॉरेस्ट में। एक होता है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक हो गया रिजर्व फॉरेस्ट और एक हो गया कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहां पर आप लोगों को नॉर्मली काफी ज्यादा प्रतिबंध नजर आएंगे, पर लेकिन कम्युनिटी फॉरेस्ट में वर्ड ही कम्युनिटी लग गया है, इनके यहाँ पर कुछ लोगों को भी अलाउ किया जाता है कि वो अपना काम धंधा कर सके। तो इसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा बातें बोली गई कि कम्युनिटी फॉरेस्ट वाला टैग दे देना चाहिए इसको, जो कि यहाँ पर
फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो इसको मिलकर हम लोग भी वहां पर बेसिकली रह पाएंगे और अपनी चीजों को मैनेज कर पाएंगे और सस्टेनेबल तरीके से चीजों को लेकर आगे चल पाएंगे। तो यहां पर ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका लाजमी भी है प्रोटेस्ट करना, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया कि जिस तरीके के पेड़ों पर यहां पर जो ये लंगूर पाए जाते हैं, जिनको आप लोग गोल्डन लंगूर बोल रहे हो भाई साहब, उस तरीके पेड़ यहाँ पर ओनली 5% बच गए थे, उनको हम लोगों ने बढ़ाकर 70% किया है। यानी कि हम लोगों ने इतना ज्यादा काम किया उन पेड़ों के ऊपर कि 5% से बढ़कर वो पेड़ जो है वहां पर 70% हो गए, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को ये देखने को मिलेगी जिनको गोल्डन लंगूर को आप लोग प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एंट्री को यहां पर बंद कर रहे हैं, वो गोल्डन लंगूर 100 पर आ गए थे, उनकी खानी खराब होने वाली थी, ठीक है। अभी यहां पर लगभग 30 सालों के अंदर हम लोगों ने उनको बढ़ाकर 100 से 600 कर दिया है। तो मतलब जिन चीजों का हम लोग को पुरस्कार मिलना चाहिए उन चीजों का हम लोग को बहिष्कार मिल रहा है। तो भाई साहब ये कहां का न्याय है, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा कि हमने तो भाई साहब अपनी जी जान लगा दी इनको प्रोटेक्ट करने में और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इसको अलग ही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हो। तो ये गलत तरीका है यार, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को तो हमको प्राइज देना चाहिए था कि भाई साहब बहुत अच्छा काम किया, पर आप लोगों तो हम तो पनिश करने पर आ गए इस मुद्दे को लेकर। तो ये गलत बात आप लोग की देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के साथ में रिजर्व फॉरेस्ट और नेक्स्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक एक को ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन भी आप लोग यहां से बन जाते हैं जो कि स्टेटिक पोर्शन की कैटेगरी में आ जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर वाइल्ड लाइफ जो यूज, यानी कि यहां पर अगर बात करें तो जो वाइल्ड जो एनिमल्स होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे या बर्ड्स वगैरह होंगे, उनके लिए रहता है। वाइल्ड एनिमल जो रहते हैं स्पेशली जो कि आज के डेट में जो डेंजर है एक्सटेंट की कैटेगरी में हो चुके हैं, तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक एरिया रहेगा उनके लिए जहां पर वो आराम से रह सकते हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को एक प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, तो इंपावर करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क या फिर क्लोज्ड एरिया किसी पर्टिकुलर एरिया को, ताकि वहां पर उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये एक्ट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके हिसाब से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर दी गई है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मिलकर काम कर सकते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क या फिर क्लोज एरिया जो है वो यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो यहां पर बिल्कुल ही उनको प्रोहिबिट कर रही है, पर लेकिन अगर रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो रिजर्व फॉरेस्ट में मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड जो फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टेट के द्वारा जो डिक्लेयर किए जाते हैं, तो यहां पर फॉरेस्ट लैंड या फिर जो वेटलैंड रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी में अगर आप लोगों को एंट्री करनी है तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर जो लोग रहेंगे वहां पर जो एक तरीके से फॉरेस्ट में काम करने वाले, उनसे परमिशन लेकर ही आप लोग यहां पर एंट्री कर पाओगे। तो यहां पर लोकल एरिया की जो एंट्री है वो भी प्रोहिबिट रहती है। तो ना तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ना ही यहां पर रिजर्व फॉरेस्ट, तो ये बात करें कम्युनिटी फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो नंबर तीसरे नंबर पर कौन आता है, वो आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट में सेक्शन 2A के तहत यहां पर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत यहां पर ये बेसिकली थोड़ा सा एक तरीके से कम्युनिटी को साथ में लेकर चलते हैं, जो कि यहां पर सीजनल लेवल पर अगर कोई यहां पर लैंड को यूज करना चाहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहते हैं, तो यहां पर उनको यहां पर अलाउ कर दिया जाता है। पेस्टोरल जो कम्युनिटी होती है ना, एक तरीके से जो एक तरीके से घूमने वाले होते हैं, इधर उधर अपना काम धाम देखते रहते हैं, इधर उधर घूम घूम कर, ठीक है, तो एक तरीके से उनको अलाउ कर जाते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या फिर प्रोटेक्टेड जो एरिया रहता है, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेंचुरीज होगी जैसे नेशनल पार्क हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी जो है वहां पर एक तरीके से वो ट्रेडिशनली एक्सेस उनको मिल जाती है कि वो भी अपना काम धंधा यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये वाले डिक्लेरेशन में बात करें, पहले दोनों डिक्लेरेशन को वो अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यहाँ पर पेड़ बढ़ाए गए हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये लंगूरों की संख्या बढ़ाई गई है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये बेसिकली अपने आप से ये एक तरीके से उनके द्वारा गवाही दी जा रही है। ये जो पर्टिकुलर गोल्डन लंगूर है, इसका अगर साइंटिफिक नेम के बारे में आप लोग बात करेंगे तो इसको ट्रेचिपिथेकस घी के नाम से आप लोग बोलते हैं, ट्रेचिपिथेकस घी, ठीक है। तो ये इसका नाम आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, टीपीजी के नाम से याद रख लेना। तो ये यहाँ पर बेसिकली अगर आप लोग देखोगे कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है ना, काफी सारे अगर इसके फॉरेस्ट के मतलब इसके आप लोग मतलब फेदर देखोगे, इसके पंख वगैरह आप लोग देखोगे, पंख क्या बेसिकली बाल है इसके, हेयर है, ठीक है। तो ये फर इसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सीजन के हिसाब से माना जाता है कि कई बार इसके फर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, इवन इनकी एज के हिसाब से भी फर चेंज होते हैं, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ जाती है कई बार बूढ़े होते हैं तो इनकी जो फर है वो व्हाइट कलर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनको यहाँ पर जो जिस पेड़ पौधों पर ये पाए जाते हैं इनको लीफ मंकी के नाम से भी पुकारा जाता है, तो लीफ मंकी या फिर गोल्डन लंगूर बोले, तो इसका मतलब ये कि इन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों के मन में ऐसी बात आ रही होगी कि ऐसा क्या हो गया यार, इनको वहां पर रिस्ट्रिक्ट करने की बात की जा रही है, ऐसी क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बेसिक मुद्दा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये काफी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं, अगर उस एरिया को भी दोहन करना स्टार्ट कर दिया इंसानों के द्वारा तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। वेस्टर्न आसाम में, यानी कि आसाम के भी वेस्ट वाले रीजन में इंडिया में देखने को मिलेंगे, और सदर्न बर्मा में, सदर्न भूटान में, यानी कि भूटान में भी साउथ में देखने को मिलेंगे, यानी काफी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। फोर ज्योग्राफिकल लैंडमार्क से जहां पर ये सराउंडेड देखने को मिलते हैं,
यहाँ पर बात की जा रही है फुटहिल ऑफ द बर्मा, यानी कि एक तरीके से सॉरी बर्मा बार बार याद रहा, भूटान, ठीक है। तो भूटान में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मानस जो रिवर है उसके ईस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसी के साथ में सतकोस जो रिवर है उसके वेस्ट में देखने को मिलेंगे, ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ में देखने को मिलेंगे, यानी कि गिने चुने कुछ स्थानों पर यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर थ्रेट है, यहाँ पर कल को चलकर दिक्कतें देखने को मिलती है, अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया तो फिर यहाँ पर इनको एक्सटेंट की कैटेगरी में यहाँ पर ये जा सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर ये स्टेप उठाने की बातें कर रही है, क्योंकि फिलहाल टाइम पर काफी दिक्कत हो चुकी है। एक तो इनका हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंटेड हो चुका है, बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके हैं, कहीं इलेक्ट्रिसिटी के खंभे तार लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, और डिफोरेस्टेशन भी काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर चुके हैं। कई बार तो इतनी दूर हो चुके हैं क्योंकि ये पेड़ पर ही रहते हैं, जमीन पर पैर ही नहीं रखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो पेड़ों पर ये कूदते फांदते रहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर कई बार दिक्कत हो चुकी है, और वायर लग गए जैसे मैंने अभी बताया, गैप हो गए यहाँ पर, पेड़ बहुत दूर दूर हो गए, तो इसकी वजह से इन ब्रीडिंग में भी दिक्कत हो रही है। यानी कि जो एक एरिया में पेड़ है जहां पर बहुत सारे, एक फॉरेस्ट एरिया में और फिर दूसरा फॉरेस्ट एरिया वहां पर है, तो अगर इन ब्रीडिंग यानी कि इन्हीं के साथ में इनकी ब्रीडिंग हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, दूसरे एरिया की इनकी ब्रीडिंग नहीं हो पा रही है, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, तो कल को इनकी खुद की कम्युनिटी में भी आप लोगों को डिफरेंस होता हुआ नजर आएगा, यानी कि और ज्यादा खतरनाक इनकी खुद की कम्युनिटी में भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कुछ और बेसिक बातों के बारे में बात करें कंजर्वेशन के बारे में, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी है जो दिल्ली के अंदर में, ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से बेसिकली अभी फिलहाल जो प्रोजेक्ट है कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ द गोल्डन लंगूर, ये स्टार्ट किया गया 2011 में, ठीक है। एस्टिमेशन लगाया गया था 2009 में कि 5140 के करीब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेंसस के हिसाब से अगर बात करें यहाँ पर 2020 में, ठीक है, तो बात की जा रही है जो कि फिलहाल अभी होने वाला था, कंप्लीट नहीं किया गया कोविड-19 की वजह से, तो अभी रुकी हुई है, उसमें फिर चीजें आगे पता चलेगा, तो देखते हैं कितनी संख्या इनकी बढ़ी है फिर घटी है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में थ्रेटन की कैटेगरी में लाया गया, उनको बेसिकली इंडेंजर की कैटेगरी में लाया गया थ्रेटन स्पीसीज में। इसमें यहाँ पर अगर बात करें जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल जो ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना, उसमें अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी 1 में रखा गया है, यानी कि ज्यादा अच्छी हालत है नहीं, इनकी खस्ता हालत हो रखी है, चाहे तीनों लिस्ट के हिसाब से अगर हम लोग चेक करके अगर देख ले तो ये बातें यहाँ पर बताने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। एक और इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर ये एनवायरमेंट और पोल्यूशन और डिग्रेडेशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बात कर रहे हैं फ्लाई एस के बारे में। फ्लाई एस यानी कि एक तरीके से उड़ती हुई राख, नॉर्मली जहां पर कोयला आप लोग जला देते हो वहां पर आप लोगों को यहाँ पर ये राख देखने को मिल जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको आप लोग NGT बोलते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज में आ गया है, और डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर यहाँ पर बेसिकली इसको कवर किया गया है। समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर, इसके बारे में बातें करते हैं। हुआ क्या अभी यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया जो फ्लाई एस होती है उसको मैनेज करना है और यूटिलाइजेशन मिशन में आप लोगों को यूज करना है, यानी कि उस राख को जो कोयले से बसती है, दुनिया भर के पावर प्लांट हमारे देश में जो कि बिजली बनाने का काम करते हैं, तो जो बिजली बनाने का काम में आप लोगों उसके बाद में जो कोयले की जो राख बसती है उसको यूटिलाइज करने का प्रॉपर प्रतिबंध आप लोगों के पास में होना चाहिए, अगर वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो उसके चलते यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा कैसे आप लोग इसको हैंडल कर रहे हैं और कैसे इसके साथ में एसोसिएटेड इश्यूज को आप लोग लेकर चल रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ कोयला जो है वो मिलकर यहाँ पर काम करने वाली है कि मिशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहने वाला है। अभी दिक्कत क्या है यहाँ पर, अनसाइंटिफिक तरीके से यहाँ पर इसको हैंडल किया जा रहा है, जो भी कोयले के अंदर जो थर्मल पावर स्टेशन है जो भी यहाँ पर इसको यूज करें वो ढंग से इसको यूज नहीं कर पा रहे। रिहांद जो रिजर्वायर है यहाँ पर बेसिकली जो बांध है उसके अंदर डाल दिया जाता है कई बार इसको, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है और यहाँ पर काफी ज्यादा पोल्यूशन भी फैलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर हजार्ड्स कंडीशन यहाँ पर बन जाती है पावर प्लांट अगर इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें यूज करता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि 1670 मिलियन टन जो है वो अभी यहाँ पर एक्युमुलेट हो चुकी है ऐसे इस तरीके से, तो उसको कैसे यूज करना है वो समझना हम लोगों को पड़ेगा। तो मिशन मोड में आप लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि इसको आप लोग मैनेज कर सको और सिचुएशन जो है उसको हैंडल किया जा सके। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में कोयले का प्रोटेक्शन और उसका यूटिलाइजेशन और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो इसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें का ये दिक्कत जो है इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्लाई एस जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसका जो रेजिड्यू बचता है यहाँ पर ये कंबस्टन के बाद में थर्मल पावर प्लांट से उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि L2O3, इसी के साथ में यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 और कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर CaO आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी यहाँ पर रहता है। अगर आप लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। और यूज कैसे कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इसको आप लोग पोर्टलैंड सीमेंट के तौर पर यहाँ पर यूज किया जा सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को काफी अच्छे से नजर आएगा। इसी के साथ में आप लोग कई सारे प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं, वाटर के साथ में मिक्स करने के बाद में टाइट हो जाती है, जैसे सीमेंट को पानी के साथ में मिला देते हैं तो वो टाइट हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं एक तरीके से, जो इसका बाय प्रोडक्ट है प्रॉपर तरीके से। स्ट्रक्चरल क्वालिटी काफी अच्छी होती है यहाँ पर, काफी अच्छा मेटेरियल होता है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं, जो कि फ्लाई एस है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि जो फ्लाई एस है उसको एक प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहें
तो उसको इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, पर हाँ लापरवाही जो है वो आप लोगों को ये चीजें इस्तेमाल नहीं करने दे रही है, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो अगर उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया तो काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा, और अगर हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो इसके चलते यहाँ पर जो पोल्यूशन फैल रहा है वो पोल्यूशन भी आप लोगों को फैलता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस्तेमाल के बारे में जैसे मैंने भी आप लोगों से बातें की तो कई सारी और भी मुद्दे आप लोग देखते हैं, जैसे कि कंक्रीट जो यहाँ पर बात करते हैं ना, एक तरीके से आप लोग जो कंक्रीट होता है, सीमेंट होता है प्रोडक्ट, उसमें रोड बनाने में, मेटल एक तरीके मेटल रिकवरी में, ठीक है, इसी के साथ में मिनरल जो फिलर होते हैं उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं, इसी के साथ में जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके, ठीक है, वो देखने को मिलेंगे। कई सारे डिजीज हो गई, कई सारी बीमारी, कैंसर वगैरह जो खास कर रहे हैं, सांस लेने की बीमारी, हार्ट अटैक के स्ट्रोक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से पानी जो है ग्राउंड वाटर वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ में पेड़ जो है जहां पर इसको डाला जाता है ले जाकर, तो उसके रूट डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो कई सारे प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट कर देते हैं। तो अगर किसी तालाब में भी आप लोग जाकर इसको यहाँ पर पुश कर रहे हो तो उसकी वजह से वो तालाब जो है वो बर्बाद यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो उसको वहां से निकालना है, उसके आप लोग यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रोड ब्रिज बनाने में आप लोग एक तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तालाब जो है वो हरा भरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि सॉल्यूशन है, पर लेकिन दिक्कत क्या निकल कर आ रही है, दिक्कत ये कि उन सॉल्यूशन को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, सॉल्यूशन को इग्नोर किया जा रहा है। हाँ चलो ठीक है देख लेंगे, हाँ चलो ठीक है कर लेंगे, पर लेकिन रियलिटी में कोई कर नहीं रहा है। तो फ्लाई एस नोटिफिकेशन लाए गए यहाँ पर, तो आप लोगों से पूछ ले क्वेश्चन की किसके नोटिफिकेशन किसके हिसाब से लाते हैं, तो यहाँ पर फ्लाई एस का जो नोटिफिकेशन लाया गया वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि 1986 का जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला जो एक्ट है उसके हिसाब से फ्लाई एस नोटिफिकेशन लाया गया कि आप लोग को यहाँ पर इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कोयला या फिर लिग्नाइट जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है, तो उसमें जो भी यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है तो उसको कैसे टैकल करना है, तो सेंटर के द्वारा मैंडेटरी क्या है कि 100% यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा इको फ्रेंडली वे में। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने बहुत तो दी, पर लेकिन यूज करने वाला किस तरीके से वो कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं, पर नहीं होता नहीं है कि जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए उनको कोई फॉलो ही नहीं करता है। आप तो बोलकर निकल गए यहाँ पर लेकिन इनको फॉलो कौन करेगा, तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ बोला है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन में भी कुछ बातें बोली गई है कि अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो 1000 पर टन के हिसाब से यहाँ पर उसको इसके हर्जाना देना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा यहाँ पर, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हर्जाना देना पड़ेगा अगर आप लोग ढंग से इसको डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर ये बात बोली गई कि फिर इसको यूटिलाइज किया जाएगा पैसे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कि कैसे यहाँ पर जो ये निकल कर आता है एस इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं जो ये राख बचती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसको ढंग से यूटिलाइज करना है, अगर इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो फिर दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी हेल्थ के पॉइंट ऑफ से, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आएगी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो चाहता है कि मिलकर इसमें काम किया जाए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहाँ पर मिलकर काम करे कोल मिनिस्ट्री के साथ में, कि कैसे यहाँ पर इसको टैकल करना है, और अगर कोई टैकल नहीं कर रहा तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, तो कई सारे इनिशिएटिव भी यहाँ पर इसके लिए लिए गए कि हाँ चीजों को ढंग से टैकल किया जाए और उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC यहाँ पर इसके ऊपर काम करती है, ठीक है, उसके द्वारा काफी अच्छे से काम किया गया, इसी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके अंदर भी यहाँ पर बात की जा रही है, महाराष्ट्र के अंदर पहली बार यहाँ पर एडप्ट की गई पॉलिसी जिसमें फ्लाई एस की ब्रिक यानी कि ईंटें बनाई जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो ये ईंटें बनाई जाती हैं वो फ्लाई एस से बनाई जाएंगी, तो इनके द्वारा यहाँ पर अडेप्ट की गई। ठीक है, तो कोलैबोरेट किया गया यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री के साथ में NTPC को कैसे यूज करना है, और यहाँ पर इनके द्वारा भी काम किया गया। एक वेब पोर्टल भी यहाँ पर बनाया गया इसी के चलते यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम एस ट्रैक रखा गया। ठीक है, एस को ट्रैक करना, ठीक है, तो ये रखा गया, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में यहाँ पर जो रेट है फ्लाइट एस ये उसके बाद बाय प्रोडक्ट पर यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है 5% का। ठीक है, ताकि यहाँ पर अगर कल को उसके बाय प्रोडक्ट बनाए जा सके तो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा ना लगे और लोग जो है उसमें काम करना स्टार्ट करें। तो गवर्नमेंट जो है वो पीछे नहीं हट रही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कितना इंप्लीमेंट होता है वो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को देखने को मिली। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये जजमेंट के बारे में बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के, और एससी और एसटी से रिलेटेड मुद्दा है यहाँ पर। ये अभी मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है मैं पूरा आप लोगों को बड़ी शॉर्ट स्वभाव में बताऊंगा ताकि आप लोग पूरे आर्टिकल को समझ सके। ये आर्टिकल जो है यहाँ पर ये बेसिकली कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में, तो समझेंगे इसके बारे में क्या मुद्दा है। नॉर्मली जैसे ही आप लोग मान लीजिए एग्जाम देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर रिजर्वेशन देखने को मिलता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन है, एससी का रिजर्वेशन है, एसटी का रिजर्वेशन है। तो फॉर्म भरने में भी आप लोग जब जाते हैं यहाँ पर तो आप लोगों से पूछा जाता है कौन सी कैटेगरी में आप लोग आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम अपनी कैटेगरी भर दी, चलो चीजें सेट में हो गई। उसके बाद में जब सिलेक्शन होता है तो कट ऑफ के टाइम आप लोग जाएंगे तो कट ऑफ जो है वो अलग अलग आएगा। ओबीसी का अलग आएगा, एससी एसटी का अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जनरल का अलग कट ऑफ है, तो वहां पर आप लोग को डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा। अब यहाँ पर जब यहाँ पर स्टार्टिंग में फॉर्म भरने में कितनी सीट किसकी है और फिर यहाँ पर कट ऑफ में यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया, उसके बाद में जब सिलेक्शन होने के बाद में इंसान जो है पोस्ट पर जाकर बैठता है
तो वहां पर बात की जा रही है कि एससी और एसटी को वहां पर भी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए और वहां पर भी उनको बेसिकली प्रमोशन यहां पर मिलना चाहिए, उसके तहत यहां पर रिजर्वेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट बोला यार ये चीजें जो है ये मुझसे हैंडल नहीं होगी, तुम अपने आप देखो इसको, प्रॉपर एडुकेट डेटा तो आप लोग लेकर आते नहीं हो और बार बार आकर यहां पर ऐसी बातें बोलते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसको साइड में कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो बेंच ऑफ पिटीशन जो यहां पर सुन रही है तो उसने बोला यहां पर एक तरीके से देखा जाएगा क्या क्या चीजें। अभी फिलहाल यहां पर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि यहां पर जो भी यहां पर सारी चीजें अगर उसको ढंग से देखा जाए, ठीक है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन जो भी ग्रांट आप लोग कर रहे हो यहां पर ये, तो ये गवर्नमेंट की जॉब है ना कि कोर्ट की जॉब है। यहां पर ये कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया कि गवर्नमेंट देखिए कैसे कैसे आप लोगों को यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना है, ये बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंपोर्टेंट बात बोली यहां पर कि कैडर फॉर द एक तरीके से कलेक्टिंग डेटा, यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग किसी पर्टिकुलर क्लास का पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा इकट्ठा करते हो कि इसको रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, इसका प्रमोशन हो नहीं पा रहा है, वो सही बात नहीं है। पूरा कैडर के बारे में बात करो, कैडर क्या होता है, अगर किसी काम को करने के लिए कुछ लोग लगाए गए हैं, मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों को बोला जाए कि यहां पर कोई गली को साफ करना है और वहां पर बिल्कुल साफ सुथरी गली बनानी है और उस गली को साफ करने के लिए यहां पर 10 लोगों को इकट्ठा किया गया, अब उसमें जनरल के भी लोग हैं, ओबीसी के भी हैं, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, या फिर उसमें एक तरीके से दिव्यांगजन भी हैं, सब उसमें इकट्ठा हो गए, तो बोला ये जा रहा है कि सबके लिए देखो आप लोग यहां पर पूरा कैडर जो होना चाहिए उसको बोलते हैं कैडर का मतलब है पर्टिकुलर पर्पज के लिए इकट्ठा किए गए लोग। तो यहां पर ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर क्लास कास्ट को आप लोग देखो, सबका डेटा देखो किसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं, एंटायर जो रिजर्वेशन जो प्रमोशन है वहां पर वो एक पर्टिकुलर एरिया के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए, यहां पर सबको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो एंटायर सर्विस के बेसिस से आप लोगों को चीजें यहां पर लेकर चलनी पड़ेगी, ना कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को लॉकर बोलो कि यहां पर इनको रिजर्वेशन देना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर इंदिरा सानी का जो केस आया था 1992 में, उस केस के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया था कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में देने की बात ही नहीं, यहाँ पर बेसिकली रिजर्वेशन को प्रमोशन में दिया नहीं जाएगा। इसके चलते जब आर्टिकल यहाँ पर 16(4) को आप लोग पढ़ते हो तो यहाँ पर वो रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है, प्रमोशन के बारे में यहाँ पर बात करता है, एंट्री लेवल पर रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, ना कि प्रमोशन के बारे में यहाँ पर ही बात करता है कि एंट्री लेवल पर आप लोग वन टाइम रिक्रूटमेंट में आप लोग पब्लिक सर्विस में नोट सब्सिक्वेंटली यानी कि आगे रिजर्वेशन नहीं देना है। तो गवर्नमेंट को ये चीजें पसंद नहीं आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कर दिया और 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके यहां पर आर्टिकल 16 के 4A में एडिशन कर दिया ए और बोला कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन आगे आने वाले टाइम में दिया जाएगा। एक और केस है यहां पर एम नागराज का 2006 में, जिसके द्वारा बोला गया यहां पर जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर दो यहां पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक तरीके से बेसिकली यहां पर जो अर्लियर जो स्टैंड लिया गया था इंदिरा सानी केस के अंदर में, ठीक है, तो उसके चलते यहां पर क्रीमी लेयर की बात एससी एसटी पर इंप्लीमेंट करने से मना कर दी, ओबीसी पर ही क्रीमी लेयर रहेगा, क्यों, क्योंकि एससी एसटी की सीट जो है वो ऑलरेडी भर नहीं पाती है, वो यहां पर खाली पड़ी रहती है। तो इसके चलते कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिड दे दी यहां पर बेसिकली जो आर्टिकल जो 16(4)A और 16(4)B, ठीक है, जो कि इंसर्ट किया गया था आर्टिकल जो कि 16(4)A के अंदर में, ठीक है, तो इसको इसकी स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं किया जाए तो यहां पर इस तरीके चीज देखने को मिली कि आप लोग रिजर्वेशन दे सकते हो, ये बातें यहां पर देखने को मिल गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया पर लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो यहां पर क्रीमी लेयर को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया आकर। लेकिन इसी के साथ में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन बातें और बोली कि किसको रिजर्वेशन आप लोग दे सकते हो, तो बोला गया सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कम होना चाहिए तभी मिलेगा, और पॉलिसी जो है यहां पर एक तरीके से जो भी चल रही है, ठीक है, तो पॉलिसी सेल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पता नहीं उसमें पता चला आप लोगों ने यहां पर कई सारे यहां पर इसी तरीके से पॉलिसी को अफेक्ट पॉलिसी ऐसी लेकर आए जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ही वहां पर ढंग से काम नहीं कर रहा है, इस तरीके की पॉलिसी आप लोगों ने बना दी, तो ऐसा भी यहां पर नहीं होना चाहिए। और बोला यहां पर यह है कि जब तक आप लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, जब तक आप लोग बैकवर्डनेस जो है उसको ढंग से बताओ ना, जब तक आप लोग एफिशिएंसी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ना बताओ, और क्वांटिफाइबल डेटा जो है यहां पर वो आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर बता दी कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो क्वांटिफाइबल डेटा का मतलब ये होना चाहिए यहां पर कि यहां पर प्रॉपर वे में चेक किया है कि यहां पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन एक और केस है यहां पर जिसको बोलते हैं जरनैल सिंह केस 2018 का, उसने क्या किया यहां पर जो नागराज का केस था उसमें क्वांटिफाइबल डेटा की बात की गई थी, तो यहां पर उसको बोला चलो ठीक है इसको भी आप लोग कवर करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी ढील दी, तुरंत गवर्नमेंट ने क्या किया, लार्ज स्केल पर प्रमोशन डे डाले यहां पर एससी और एसटी को, प्रमोशन रिजर्वेशन में इंप्लीमेंट करने की बात काफी ये एक तरीके से आगे बढ़ती यहां पर नजर आई। तो जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है आर्टिकल 16(4)A के अंदर में, तो रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट में होता है 16(4) यहां पर बोला गया था, पर लेकिन 4A जब ऐड कर दिया गया यहां पर तो रिजर्वेशन यहां पर प्रमोशन में भी ऐड कर दिया गया, तो जिसकी वजह से यहां पर ये प्रमोशन में अभी रिजर्वेशन मिलते हैं, तो इसके अंदर यहां पर चेंज किया गया। और अमेंडमेंट यहां पर आया गया 16 के अंदर 4B ऐड किया गया 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कि एससी और एसटी की जो भी पोस्ट होंगी उनको अगर खाली रखा जाता है, इनके अगर भर नहीं पाती है,
तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब की बार खाली है तो आगे भी भर दिया, आगे उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। जब तक एससी एसटी कोई मेंबर नहीं मिल जाता है, तब तक उन पोस्ट को कोई और यूज नहीं कर पाएगा। इसी के साथ में आर्टिकल 335 यानी कि 335 है, स्पेशल मेजर्स यहां पर अडॉप्ट करता है कंसीडर करने के लिए क्लेम एससी और एसटी का सर्विस में, ठीक है, ताकि उनको एक सही लेवल पर लेकर आ जा सके। और 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2000 में यहां पर इंसर्ट करता है बेसिकली आर्टिकल 335 जो यहां पर आर्टिकल इसके एंड एक तरीके से कंडीशन जो है वो एंड करता है, ठीक है। इसी के साथ में इनेबल करता है यहां पर मेक करने के लिए प्रोविजन इन द फेवर ऑफ एससी और एसटी की रिलैक्स किया जा सके क्वालिफाइंग जो है मार्च में एग्जामिनेशन, यानी कि यहां पर ये भी ऐड किया गया कि अगर एससी और एसटी का कोई एग्जाम देने जाता है तो उसके मार्क्स में जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होता है उसको भी सस्ता कर दिया जाए। तो यहां से सारा ये क्राइटेरिया निकल कर आता है जो मैंने भी बताया। बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, हमारे संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन देते हुए ये बोला था कि रिजर्वेशन जो है उसको ज्यादा लंबा नहीं रखना है, कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी 8-10 सालों के अंदर निपटा डालो, सबको इक्वल लेकर आओ। पर लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल टूल बना लिया उसको, पहले तो अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन दे रहे हैं, फिर प्रमोशन में भी देना स्टार्ट कर दिया, और ये रिजर्वेशन अलग अलग लेवल पर बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। ये बेसिकली गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एजेंडे हैं वोट मांगने के लिए, तो वोट मांगो शासन करो में यहां पर इनका कह रहा है रिजर्वेशन दो शासन करो। और जनता तो बेवकूफ है एक तरीके से, आप लोगों को पता है उनको बेसिकली बहलाकर फुसलाकर उनको वोट ले ली जाती है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। आप लोगों की क्या राय है, सही है फिर गलत है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, देख लेते हैं एक बार अच्छे से। सबसे पहले यहां पर जो केस अभी निकल कर आया लड़कियों से रिलेटेड, हमने डिटेल में देखा यहां पर कि क्या क्या इश्यू देखने को यहां पर मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर कोयले के बारे में हम लोगों ने बात की काफी डिटेल में, तो कोई कंफ्यूजन इसको नहीं होना चाहिए। लंगूर जो है वो अंगूर खा रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा, यानी कि मतलब दिक्कत जो थी वो देखी। सुप्रीम कोर्ट का जो केस था हम लोगों ने समझा यहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में। इसी के साथ में यहां पर एक आर्टिकल हम लोगों ने एनजीटी के जो डिसीजन के बारे में देखा था काफी डिटेल में, उसके बारे में हम लोगों ने समझा क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोग से डिस्कस की। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं एक एक कर। बात की जा रही है कि कोयले को बढ़ाने की बात की जा रही है हमारे देश में, किसके द्वारा ये बात बोली गई है। इसी के साथ में कौन से राज्य के अंदर में यहां पर जो यहां पर हिजाब पहनने से मना किया गया, कौन सा आर्टिकल अपने संविधान को फॉलो करने से आप लोगों को सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी से कैसी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसी के साथ में यहां पर बात करें जो रिजर्व फॉरेस्ट है, यहां पर जो फॉरेस्ट कौन सा है यहां पर जहां पर गोल्डन जो लंगूर पाए जाते हैं, फ्लाई एस मैनेजमेंट के जो डायरेक्शन किसके द्वारा दी गई, यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ में, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल कौन सा है जो फ्लाई एस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये बातें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके आगे चलते हैं। ओके देख लिया क्या आप लोगों ने? चलिए कोई नहीं, ये कल के जो आप लोगों से ये, चलिए कोई नहीं, ठीक है। ये आप लोगों के सामने यहां पर ये क्विज है बेसिकली, कल जो लास्ट मैंने पूछा था, लंबा टाइम भी हो गया आप लोगों, उसके आंसर है बेसिकली सारे आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो को यहां पर, ये रहा ठीक है, और फिर आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ये ना ऊपर नीचे कई बार स्लाइड हो जाती है यार, कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, रोककर थोड़ी देर के लिए, और फिर यहां पर ये आंसर आप लोगों के सामने, ठीक है। तो कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताएगा, और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड करना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।